सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम 19 कलम और 19 की कागज बांट कर रहे हैं 10th क्लास की, तो आज हम इसको सॉल्व कर देंगे। 19 नंबर जो स्केल आपकी है और ये आपकी टावल स्टैंड की स्केल है, ये आप साइड में आप देख रहे हैं स्क्रीन पे भी आपके ये बनी हुई है, तो इसको हमने आज सॉल्व करना है। तो देखो, इसमें सबसे पहले हमने जब पेपर बांट की थी तो इसमें हमने फुट्टा यूज किया था 1.10 सेंटीमीटर का। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें दो पाए लंबे लंबे लगे हुए जिसमें कि सरिये लगे हुए ताव सुखाने के लिए, और नीचे भी दो इसमें पाए है लंबी, दो लकड़ियां है, आप कुछ भी इसको लगा सकते, लकड़ी ही मैं कहूँगा तो वो अलग से है, तो वो 5x8 की है, और ऊपर को जो लंबी लंबे दो पाए है वो भी 5x8 के ही है। तो हमने सबसे पहले नीचे से 5 सेंटीमीटर काटना है, यहाँ से एलिवेशन में, यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर लेंगे, यहां से भी हम 5 सेंटीमीटर लेंगे, ये जो 5 सेंटीमीटर है वो हम ऊपर तक लेंगे यहां पे, इस तरह से, और हम इस 5 सेंटीमीटर को डार्क मिला देंगे, इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इसमें नीचे से ऊपर को जो एक फट्टी लगी हुई है वो पहले 5 सेंटीमीटर है और 5 के बाद 3 सेंटीमीटर की है, तो हमने सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लेना है। यहाँ पे मैं 5 सेंटीमीटर पहले ले रहा हूँ, इस तरह से हम 5 सेंटीमीटर लेंगे, और जो 5 सेंटीमीटर की फट्टी है वो इन दोनों पायों के बीच में है, इन दोनों पायों के बीच में ही फट्टी है, यहाँ ये डार्क है, इस तरह से इसमें ये डार्क आ जाएगी, और इधर हम इसको डॉटेड अंदर लगा देंगे, डॉटेड अंदर आएगी। इसके बाद हमारा है 3 सेंटीमीटर, एक दो 3 सेंटीमीटर है, और यहां भी हम 3 सेंटीमीटर ले लेंगे, यहां पर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये जो 3 सेंटीमीटर की आपकी लाइन आएगी ये आपकी दोनों साइड बाहर तक जाएगी, यहां तक, इस तरह से ये आपकी रेखा आ जाएगी। इन पट्टी ये जो आपकी 5-5 सेंटीमीटर के पाए है इसमें एंगल लगा हुआ है यहाँ पे, और 10x5 का है, तो हम यहाँ से 10 सेंटीमीटर ले लेंगे, ये मैं अभी वो लगा रहा हूँ जो आपकी डार्क लाइन बाहर तक आनी है, इस तरह से, इस तरह सिर्फ ही पट्टियों में ही है 10 सेंटीमीटर के एंगल बने हुए। अब यहां से इस रेखा से ऊपर को जो सरिये लगे जिसमें मैंने टॉवल को सुखाना है, टॉवल स्टैंड है, तो वो है आपका सबसे पहली जो लाइन है वो है 34 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर की मोटाई उसकी है, तो हमने सबसे पहले 34 सेंटीमीटर लेना है, यहां से हम लेंगे, तो ये आपका 30, 31, 32, 33, 34, ये आपका 34 है, तो यहाँ से 34, फिर आपका है 2 सेंटीमीटर, ये 2 आ गया। उसके बाद है 23 सेंटीमीटर के, इसमें 4 सरिये इसके बाद लगे हुए, 23 सेंटीमीटर हम काट देंगे यहाँ से, तो हम यहाँ से ये देखिए 25 में ले रहा हूँ, आपको मैं सजेस्ट करूँगा ये 25 आप ले लीजिए,
क्यों लीजिए 25? क्योंकि ये आपका 25 है, तो 2 सेंटीमीटर आप पीछे काट दीजिए। इस तरह से ये 23 की दूरी आ गई और 2 सेंटीमीटर आपका शरीर आ गया। इसी तरह से यहाँ से फिर हम 25 ले लेंगे, तो ये 25 और से नीचे को 2 सेंटीमीटर काट दो, एक साथ लगता हुआ आपका फुट्टा है। पहले 23 काटेंगे फिर 2, तो इस तरह से नहीं बनने के बाद 1, 2, 3। अभी हमारा एक और हमने 23 लेना है, उसके बाद फिर एक और 23 लेना है। यहाँ से ये हम 25 ले रहे हैं, 25 के ऊपर से नीचे को हम काट रहे हैं 2, और अब यहाँ से फिर हम एक 25 काटेंगे। ये आप देख सकते हैं ये हमने 25 ले लिया और नीचे को 2, और ये जो हमारा यहाँ पे बचना चाहिए ये हमारा बचना चाहिए 8, और आप देख सकते हैं 10, 9, 8। ये देखिए ये हमारा पूरा जो है 8 बच गया है। इसी तरह से हम यहाँ भी अब ये निशान लगा देंगे इसी तरह से, और हम इन निशानों को आपस में फिर मिला देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं इधर से भी मैंने नाप लिया, इधर से भी नाप लिया, और ये हमने शरीरों को आपस में मिला भी दिया है। ऊपर जो ये लाइन आपकी है, ये लाइन है, इसका कोई औचित्य नहीं है, हम इसको मिटा देते हैं। इसकी हमें जरूरत अब नहीं है। इस तरह से हम इसको मिटा देंगे, और अब हमने ऊपर से 2 सेंटीमीटर का निशान लगाना है, क्योंकि 2-2 सेंटीमीटर जो शरीर है इस पाए में अंतर होंगे, जो ये आपका 5 सेंटीमीटर का है, तो ये 2 सेंटीमीटर में यहाँ निशान लगा देता हूँ। और यहाँ भी मैंने अभी छोड़ा हुआ है नीचे, तो ये फट्टी आपकी लगी हुई है 3 सेंटीमीटर मोटी, इसमें भी 2 सेंटीमीटर का यहाँ डॉटेड आना है। तो ये मैंने अब हम इसको इकट्ठा ही लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ भी हम 2 सेंटीमीटर का निशान लगा देंगे। आपका वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनता है, ज़्यादा ये आधे घंटे में ही आपकी पूरी स्केल सॉल्व हो जाती है, बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम डॉटेड लगा देंगे, यहाँ पे इसको डॉट कर देंगे, यहाँ पे सारा कार्य डॉटेड है, डार्क कार्य में पहले कर चुका हूँ इसमें। इस तरह से यहाँ से भी हमने 2 सेंटीमीटर के निशान लगा रखे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, और ये आपकी जो है वो एलिवेशन बन के तैयार हो गई। इतना सा कार्य आपका एलिवेशन का है। अब हमने बनानी है इसकी साइड, तो साइड में यदि हम साइड से इसको देखते हैं तो इसमें नीचे जो फट्टी है वो है 8 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लेना है। ये आपका है 8 सेंटीमीटर, 9, 10, ये आपका 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। यहाँ मैं इसका नाप नहीं ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये हमने लिया था 5 और 5 और 3 8, तो इधर भी 8 है हमारे पास पहले से दिया हुआ है, तो इसी का प्रोजेक्शन मैं सीधा ले सकता था, पर मैंने आपको बताने के लिए इधर से ले लिया प्रोजेक्शन, सॉरी निशान मैंने यहाँ लगा दिया है। तो यहाँ पर ये आपकी सीधी आनी है लाइन, इस तरह से सीधी लाइन आनी, डार्क लाइन आनी है। अब इसके बाद आपके पास इसमें ये जो फट्टी है ना वो यहाँ से लगी हुई है, ये पाया आपका यहाँ से ऊपर को लगा हुआ है, तो हमने ये कितनी दूरी पर रखना है अब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हमारे पास जो तिरछा एंगल है, यदि आप इसको देख रहे हैं, तो यहाँ से 16 सेंटीमीटर की दूरी पे, और 16 के बाद यहाँ से ये 10 है, तो मतलब कि 16 10 26 26 इधर से आ जाएगा, 26 इधर से आ जाएगा, तो ये जो आपकी टोटल लेंथ है ये आपकी है 60 सेंटीमीटर की ब्रेड्थ है, 26 26 दोनों साइड कट जाएगा, तो 26 दूनी कितनी होती है 52, और बीच में कितना बच गया 8, तो हमने क्या करना है 26 26 जो है वो दोनों साइड से काट देना, और निशान भी साथ साथ ही लगा देते हैं हम, क्यों? क्योंकि हमें जरूरत है। यहाँ से मैं पहले ले लेता हूँ 26, और 26 के बाद में 10 मीन्स 16 पे यहाँ पे निशान पहले ही लगा देता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे इसकी ज़रूरत पड़नी है। तो मैं यहाँ से 26, ये 25 और 1 26 है, ये एक तो ये निशान आ गया, और यहाँ से 10, और ये बीच में यदि मैं देखता हूँ इसको, ये आप देखिए बिल्कुल बराबर 8 आ रहा है, ये देखिए। इसी तरह से हमने ऊपर इसमें निशान लेने हैं यहाँ पे, और यहाँ पे तो हमने सीधा पर 26 26 ही काटना है, यहाँ पे हमें 10 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से मैं ये काट रहा हूँ 26, और 26 के बाद 8 सेंटीमीटर,
ये 8 सेंटीमीटर है। अब इसको हमने जो है वो डार्क मिला देना है। यहाँ पे ये आपका है, ये निशान आपका है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे डार्क मिल जाएगा, ये आपका यहाँ पे डार्क मिल जाएगा इस तरह से। अब हमारे पास ये जो आपकी लाइन है इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इस लाइन की भी हमें कोई जरूरत नहीं, ये आपकी लाइन है इसकी भी कोई जरूरत नहीं। ये आपका मिट गया, ये भी हमारी पूरी लाइन मिट जाएगी। मिल जाएगी। अब हमने क्या करना है, यहां से इसमें 10 सेंटीमीटर पे निशान लगाना है, यहां से यह आप देख सकते हैं, इसको हमने तिरछा यहां मिलाना है इसके साथ, इसको बोलते हैं ट्रायंगल, ये आपकी ट्रायंगल इसमें बनी हुई है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं ये आपकी बनेगी। अब हमने क्या करना है, इसमें जो ये आपकी 5 सेंटीमीटर की फट्टी है इसका डॉटेड हमने यहां लेना है, इसमें यहां से मैं 3 सेंटीमीटर नीचे को डॉटेड लाइन लगा देता हूं, इसी के सीध में मैं आगे लाइन लगा लेता हूं यहां पे, ये अब देख सकते हैं ये आपका आ गया, इस फट्टी का प्रोजेक्शन साइड में आ गया। अब आपने क्या करना है, जो आपकी ये शरीर लगे हुए इन शरीयों के आपने प्रोजेक्शन लेने हैं साइड में, बिल्कुल बीच में लेने। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मैं पहले इसमें 2 सेंटीमीटर का निशान की लाइन लगा देता हूं बीच में, तो ये आपका 8 सेंटीमीटर है। तो 8 का मतलब है कि हमने अगर 2 बीच में इसमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम काटेंगे यहां से 3 और 2, यहाँ से 3 इधर 3 इधर 6 और बीच में आ जाएगा 2, 2 हो जाएंगे 8, 1 2 इस तरह से, यहाँ से ये 8 है तो 3 और 2 इस तरह से। मैं यहाँ पे हल्की सी लाइन एक लगा लेता हूँ 2 सेंटीमीटर की, बहुत हल्की मैंने यहाँ लाइन लगानी है, ये आप देख सकते हैं इतनी हल्की मैंने लाइन लगाई। अब सिंपल मैं हमें क्या करना है, जो ये आपके लाइन है इसके आपने प्रोजेक्शन लेने हैं डॉटेड, ये देखिए बस इतनी सी लाइन पे लगेंगे, ये आप देख सकते हैं आप पहले ये भी ले सकते हैं और बाद में आप 2 सेंटीमीटर का निशान लगा लो, आप जैसा चाहो आपकी सुविधा के लिए, आप वैसे भी ले सकते हैं और इस तरह भी जैसे मैंने लिया ऐसे भी ले सकते हैं, आप फ्री है अपने हिसाब से आप कार्य कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है किसी तरह से आपने भी करना है इस तरह से बस। तो हमारे पास जो ये लाइन आ रही है इसका कोई उचित नहीं है, हल्की इतनी है कि ये बस हल्का सा रबड़ लगा के ही ये घट जाएगी यहाँ पे बीच में से, ये देखिए
ये मैंने इसलिए लगाया कि अगर आप इधर को, तो इधर को जगह कम बचती है। अब देखो मैं अगर यहाँ से मिटा रहा हूँ ना, तो ये लाइन भी मेरी मिट गई है, बट अगर हम इधर को लगाएंगे तो ये आपका मिटाने में थोड़ी सुविधा इसमें रह जाती है। इस तरह से यहाँ पर मुझे लाइन दोबारा से लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से अब यहाँ पे जो है ये बिल्कुल गोलाई में, अब देखो यहाँ पे हमने गोलाई कैसे इसमें देनी है। ये आपका 8 है, तो नीचे को भी हमने 8 सेंटीमीटर लेना है, लिया हुआ है ये जो है, इसी को ही मैं आगे ले लेता हूँ। यहाँ पे ये जो आपका 8 बचा हुआ है, सीधी सी बात है, ये 8 बचा हुआ है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डॉटेड इसको बढ़ा रहा हूँ इस तरह से। अब आपने क्या करना है, या तो आप इसको क्रॉस कर दो यहाँ से, ऐसे क्रॉस मार दो, ऐसे क्रॉस मार दो, इसमें बीच में यहां पे ऐसे लाइन लगा लो, और यहां पे इधर को भी आप लाइन लगा लो, लगा सकते हैं इसमें इधर को बीच में, ये आपका बीच है, इसका सेंटर है, यहां से आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, आपने इतनी प्रकार खोलनी है, ये आप देख सकते हैं, इसके सेंटर में यहां पर रख दो, इसके सेंटर में यहाँ पर आधे से जितनी आपको प्रकार खोलनी, इतनी कम आपकी प्रकार खुलनी चाहिए एक्चुअल में। और ये आपकी यहाँ से आप इसमें ऐसे सर्कल घुमा सकते हैं, इस तरह से ऐसे भी आप बना सकते हैं इसको। और जो आपकी फालतू की लाइन है, ये आपने यहाँ से अब मिटा देगी, जो आपको उचित लगे, एज ए विश, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हैं। आप हाथ से भी लगा सकते हैं, और पेंसिल प्रकार में लगा करके भी आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। ये आपका 2x2 का वर्ग है, 2x2 के डॉटेड है ये आपके, इस तरह से। और आप यदि देख रहे हैं, ये आपकी साइड जो है वो बनके पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हमने बनाना है इसमें प्लान, हम इसमें प्लान बनाएंगे। प्लान भी आपका इजी है। प्लान में हमने क्या करना है, जो आपके 5-5 सेंटीमीटर के पाए हैं, सबसे पहले हमने ये ले लेने हैं नीचे, यहाँ से ये डार्क आने हैं इस तरह से, ऊपर से ये हमारे आगे। अब हमने क्या करना है, जो आपकी साइड है इसमें हमने यहाँ से इसके प्रोजेक्शन ले लेने हैं। सबसे पहले हमने लेना है ये 5, ये जो आपका ये वाला है प्रोजेक्शन है, तो ये हम पहले मैं ये ले लेता हूँ, ताकि इसकी समानांतर रेखा मैं आगे ले लूँ इस तरह से। तो इसी के समानांतर हमने जो है आगे रेखा लेनी है, या आप इस तरह ले लो, या आपके पास यदि सेल स्क्वायर है तो आप सेल स्क्वायर से ले लो इस तरह से। ये सेल स्क्वायर से समानांतर रेखा बड़ी अच्छी आती है, देखिए आप, बस इस तरह से आप इसको लगाओ, और यहाँ से ये देखिए बिल्कुल सीधी आ जाएगी, यहाँ से इस तरह से। अब ये 2 की जो लाइन है, इसके विशेष रूप से हमने समांतर रेखा लेनी है, क्योंकि ये प्लान में हमारे पास डार्क आनी है, प्लान में पूरी लाइन डार्क है, इस तरह से। और अब आपकी बस्ती है ये 5 वाली, ये जो 10 वाली है, सॉरी 5 वाली नहीं, 10x10 की जो हमारी है, ये हमारी बच जाती है, ये हम यहाँ पे ले लेंगे इस तरह से, हम ले लेंगे। इसी के समानांतर हमने जो है वो इधर को भी लगानी है, इसमें रेखाएं लगानी है, तो यहाँ से मैं इसी के समानांतर ले लेता हूँ, ये आपकी 10, ये सिर्फ आपकी यहाँ पाए में लगनी है, ये आपकी अगली है, ये 10 की है, ये आपकी पूरी लगनी है दोनों साइड, ये डॉटेड आपके 2 का है,
इस तरह से, और अब लास्ट हमारा है ये हमारा यहाँ पे लास्ट प्रोजेक्शन है। तो हमने इसी को ही इसी के सिर में आगे हमने लाइन लगा देनी है। ये जैसे आपका है ये, तो ये आपका यहाँ पे आना है डार्क यहाँ पे, और यहाँ पे भी आएगा डार्क इस तरह से। अब आपकी ये जो रेखा है ये आपके प्रोजेक्शन बहुत सही होने चाहिए, तभी आपके नाप सही आएंगे इस तरह से। ये जो आपकी वो पूरी रेखा आएगी यहाँ से यहाँ तक बाहर तक आएगी, और पहले हम निचली लगा लेते हैं फिर 2 सेंटीमीटर बीच में लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप ये पूरी आ जाएगी। अब जो ये 2 सेंटीमीटर के बीच में है सरिया है जिसमें हमने ये टॉवल टांगना है, ये आपकी सिर्फ यहाँ तक आएगी डार्क, यहाँ तक डार्क आएगी, इसके बीच में ये हमारी डॉटेड आ जाएगी इस तरह से। और ये आपकी है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं ये यहाँ तक डार्क आएगी, बीच में ये डॉटेड आ जाएगी इस तरह से। अब हमारी बस्ती है ये लाइन, एक ही हमारी बस्ती है ये, और ये सिर्फ यहाँ पर डार्क आनी है, यहाँ पर डार्क आनी है, इतना सा कार्य है। अब आपका है ये जो आपकी रेखा है यहां से हम 2 सेंटीमीटर ले लेंगे, और आप यहां हम इसमें ऐसे 2 सेंटीमीटर का निशान लगा देंगे, और ये पूरी आपकी 2 सेंटीमीटर की हम लगा रहे हैं यहां पे। ये लगा रहे क्योंकि इसके नीचे जो ये है टी 5 सेंटीमीटर की, ये भी इसके नीचे डॉटेड है, पूरी डॉटेड है, ये भी डॉटेड है और ये भी डॉटेड, तो हम इसको पूरा ही डॉटेड यहाँ पे लगा रहे हैं इस तरह से। ये आपका प्लान बन गया है। अब हमारी ये जो रेखा है वो हमारी मिट जाएगी यहाँ पे, ये जो रेखा है ये भी हमारी मिट जाएगी यहाँ पे, इस तरह से। और अब मैं इसको जो आपका आंसर पूरा आया हुआ है मैं इसको फेयर करके दे देता हूँ आपको, फिर आप देखोगे कितना अच्छा आपको दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं इस तरह से आपकी ये स्केल कंप्लीट हो गई है। इसमें बचता सिर्फ यहाँ पे फुट्टा बनाने को है, और फुट्टा आपने जो है वो खुद बनाना है, ये मैंने आपको बता रखा है कैसे फुट्टा बनता है, तो आपने फुट्टा खुद बनाना है। और आपकी 19 नंबर स्केल जो है वो सॉल्व करके तैयार हो गई है, आपने भी इसको इसी तरह से सॉल्व करना है।